भगवान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक नई वीडियो के साथ यहाँ पर स्पेशली ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये उन बागवान भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो कि बागवानी क्षेत्र में नए हैं और जिन्हें अपने बगीचे में ज़्यादा वक्त जो है स्पेंड करना पड़ता है। बागवान भाइयों, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, मेरे पीछे जो ब्लॉक है ये M7 पे हमने पूरा ब्लॉक रेडी किया है। यहाँ पर जो है 300 प्लांट्स का ये ब्लॉक है, M7 पे है, जेरोमैन वैराइटी यहाँ पे लगी है और साथ में जो इस पे हमने फूल लगाया है वो यहाँ पर डार्क ब्राउन काला लगा है। बागवान भाइयों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो यहाँ पे आपके सामने जो पौधा है इसमें जो ब्रांडिंग का जो प्रोसेस है उसको कैसे इसकी कनोपी तैयार करनी है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। बागवान भाइयों, ये जो पौधा है ये 2 साल का पौधा है और इसकी जो कनोपी है वो हमने किस तरह से तैयार की है वो आप इस वीडियो में ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम आपको पूरे पौधे को ऊपर तक बताने की कोशिश करेंगे, आप ऑब्जर्व करें कि किस तरह से इस पौधे की जो कनोपी हमने तैयार की है। इसकी जो हाइट है वो 10 फीट की हाइट हो चुकी है और अब जो है इसके ऊपर जो फैदर है वो 1 साल के अंदर जो इस ईयर हमने जो फैदर लिए है नॉचिंग करके वो जो नंबर ऑफ फैदर हैं 2, 4, 5 यानी 5 जो हमने ब्रांचेज है इस पौधे के ऊपर बनाई है और पूरे पौधे के ऊपर जितनी भी ब्रांचेज है 5 ब्रांचेज है उनको हमने किस तरह से लिया है। एक आप देख सकते हैं, एक आपकी ये नॉर्थ साइड में और दूसरी ये जो आपकी साउथ साइड में, तो ये जो ब्रांचेज है हमने दोनों ही दिशाओं में रखी है। बाकी जो ब्रांचेज आपकी इधर उधर जो आ रही थी उसको हमने बिल्कुल यहाँ पे रिमूव कर दिया है और हर ब्रांच को जो है हमने बैंडिंग की है और बैंडिंग करने के जो फायदे हैं वो फायदे ये फायदे हैं कि आपकी जो नेक्स्ट ईयर के जो क्रॉप होती है वो यहाँ पर मैक्सिमम क्रॉप जो है आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आप सही समय पे बैंडिंग करते हो तो आपके जो पौधे के ऊपर जो खाली जगह है जहाँ पे आपको लग रहा था कि किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे जो है नेक्स्ट ईयर के लिए कोई फ्रूट बर्ड्स या कोई बीमा तैयार नहीं हो रहा है तो आप उस टहने को अच्छी तरह से अगर बैंड करते हो तो आपके सामने ये रिजल्ट है। बिल्कुल यहाँ पर जो है नए शूट जो है बाहर को निकलेंगे और ये जो शूट होते हैं ये आपके जो है यहाँ पर कन्फर्म बीमे यहाँ पर तैयार होते हैं और नेक्स्ट ईयर के जो है यहाँ पर जो है फ्रूट बर्ड्स भी इन्हीं बीमों में तैयार होते हैं।